ऑनलाइन में जो लोग हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथों में, इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथों में, जो भी पूछूंगा उसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन किसके भाग में ले जाओ? रोशनी जी के। रोशनी जी सबसे अच्छी। रोशनी जी आप मुझे बताइए, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो है कब और किसने किया था? कोई नाम नहीं, चेंज तो नाम आराम से बोल जाता है ना, याद तो है ना, ऑप्शन देके टिक मार दोगी ना। कहाँ पे उसका मुख्यालय कहाँ था? मुझे पूनम खड़ा बताइए मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। एक बार बोलिए लाहौर। बैठो रोजी जी, आप खड़े विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर के बुलाया था, इसको पारित जो करवाया गया था वो उस टाइम का कौन वायसराय था? पहले तो ये मुझे बताइए कि वायसराय होगा या गवर्नर जनरल होगा, पहले इसमें क्लियर हो जाइए आप। गवर्नर जनरल होगा। हाँ, स्टार्टिंग में डलहौजी के टाइम में लाया गया था, और फिर कैनिंग के समय उसे चंद्रिका सागर के द्वारा लागू किया गया। प्रधान जी आपके बगल में, यूरोपीय कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? कंफर्म है? नहीं सर, अल्मेडा आया था पहले। वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ बताइए। अल्मेडा है सर। अल्मेडा सियोन है क्या? बदल गया नंबर से। बैठ जाइए ना इनके पास, कैमरा ले जाइए। हाँ खड़ा होइए। आप मुझे बताइए आदिल शाह से गोवा को छीना गया था, ले जाइए आप। किसके समय? पुर्तगाली के समय। हाँ वो तो मैं जान ही रहा हूँ। अब उससे बताइए कौन सा गवर्नर था उसके बाद? अंबुकर। अंबुकर गुड, वेरी गुड। अभी देखिए उसको सुधार हुआ है, देखिए अभी और ज्यादा सुधार जरूरत है। आप खड़े होइए। नहीं यहाँ पे। हाँ बहावी आंदोलन, ठीक है ना, बहावी आंदोलन कहां से शुरुआत है और कौन थे इसको शुरुआत करने वाले? अब्दुल बहाव। ठीक, पंजाब से। पहले पंजाब से शुरू कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। जी मत बोलिए। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। आपके पीछे जो खड़े हैं उनसे चाहिए। हाँ आप करेंगे जी ना। हाँ नीरज सिंह। नीरज सिंह जी ये बताइए, नील विद्रोह,
मील विद्रोह जो पहला मील विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बताइए। नीरज जी पढ़ते हैं? ऑप्शन 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 क्या है? ये तो आसान है, ऑप्शन भी देखे नहीं पता कहाँ से लेगा। अगर साथ में नहीं लेगा दो मिनट में निकाल लेंगे, हमारी नजरों से बच नहीं सकते कोई भी। हाँ बताइए। बैठ जाइए, आइए इनके पास ले जाइए। हाँ क्लास में थे ना? हाँ बताइए। नील विद्रोह कौन सा जिला बंगाल के? याद है? कटिया पद्धति ठीक है, क्या चीज है समझाइए मुझे। इस कट्ठा में 3 कट्ठा पर कंपलसरी था नील की खेती करना। चंपारण में हो रहा था, यहाँ पे महात्मा गांधी जी गए थे उसको रोक लगाने का। उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बैठ गुड। आप नए हैं? आपके पीछे हाँ आप तो बच गए क्या? पूछ सकते हैं आपसे? हाँ मुझे ही खर अगस्त क्रांति किस गवर्नर के समय में हुआ था? या वाइस राय? रेवेल। रेवेल अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो दोनों एक है या अलग अलग? अलग 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 है। इससे अलग अलग कैसे है? अगस्त क्रांति शायद 40 में आया था और भारत छोड़ो 42 में। आइए चौरसिया जी के पास आइए। और ये था चौरसिया जी, हाँ बताइए चौरसिया जी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वायसराय के समय शुरू हुआ था? प्लीज गलत ही आंसर बता दीजिए। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा? बैठिए बैठिए। मुस्कान पे ले जाइए। मुस्कान खड़ा हाँ बताइए। मुस्कान द्वितीय विश्व युद्ध छोड़ दीजिए। हार्डिंग प्रधान जी कल वास्को डी गामा भारत कब आया था? आवाज नहीं सुन रहा हूं। 1498 में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? ले जाइए इनके पास। सर ये नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं वायसराय यूरोप वाला नहीं पढ़े वहां। अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। नहीं अच्छा बताइए मुझे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? समझाइए। ब्लू वाटर पॉलिसी आप थे
नहीं इसमें भी भूतकाल आप नहीं पढ़े हमसे नहीं ले जाए बहुत देर से ये परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल जी। राहुल जी के पास चलिए। राहुल जी आप हमको बताइए, बंगाल का विभाजन हुआ था है ना, बंगाल का विभाजन हुआ है? नहीं पढ़े हैं जी। नहीं पढ़ा है। कहाँ से शुरू किया आप पढ़ना हमसे? 1857 के बाद। 1857 भी नहीं पढ़े हैं? नहीं वो भी पढ़े। वो भी पढ़े हैं। 1857 को बताइए कौन सा चैप्टर? ये सब सर आंदोलन सब पढ़े हैं और भीम सत्याग्रह ये सब पढ़े हुए हैं। बताइए संथाल विद्रोह जी हुआ था ना, इसके नेता कौन थे? संथाल सुजीत सर का नाम तो ही बोलिए ना। सुजीत सर आप थे, आप भी तो थे। बद्धू क्या नाम? सर दुनिया भी सर तो बोला आगे मुझे सही आप बता सकते हैं? नहीं, आपके बगल में आइए वहां भी चलिए सामने वाले बगल में। हाँ चलिए, बड़ा दिन से आप भी आजमा रहे थे सर, इसी तरह बच रहे सुजीत सर, देवरा सबके पास जाना चाहिए। हाँ आप मुझे बताइए चौरा चौड़ी कांड किस भाई साहब के टाइम में हुआ? बड़ा आसान और इस बार इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग सब याद रख लीजिएगा। इसको 100 साल पूरा होने वाला है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ बताइए मुस्लिम के लिए।
मुस्लिम के लिए था सर। भगाना था उसको? नहीं सर, एक्चुअली सर हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं, सही बैठिए, गुड ले चलिए उनके पास। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बताइए? क्या बोलिए? एटीन सेवेंटी थ्री। पढ़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राकेश जी। पढ़ते हैं राकेश जी? लेकिन याद नहीं होता है। बैठिए, बैठ जाइए राकेश जी। गुड, बहुत सुंदर। आप बताइए बारदोली सत्याग्रह उन्नीस सौ अट्ठाईस में कुछ बताइए बारदोली के बारे में, क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व करने के लिए वहां की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि दी बारदोली। बताओ पूनम, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन से आंदोलन में दिया गया था? देखना पापा देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन उम्मीद हम करते हैं तुमसे, और उसमें तुम्हारा हिस्सा है। मैं हाथ उठाने वाले से मैं पूछूंगी, जो गिराए हुए उन्हीं सब पूछेंगे आपसे। नहीं पूछेगी क्वेश्चन, खड़ा हो जाइए, कहा छुपे हुए थे बताइए। किस आंदोलन में मोहनदास करमचंद्र गांधी को महात्मा के बारे में चंपारण सत्याग्रह स्योर है? कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुड, रविन्द्र बैठ जाइए, आइए रोजी के पास आइए, बनाइए आराम से, हंसते मुस्कुराते रहती है, जवाब देने पड़ते हैं। रोजी मुझे ये बताइए, वेद शासन क्या था? ऐसे इसका जनक को दुखने को बोलेंगे। वेद शासन कहाँ में से क्यों, किस तरीके से बात कर रहे हैं हमसे? वेद शासन पूछ रहे हैं आप? सहायक संधि में भाग रही हो? नहीं, वेद शासन मुझे बताओ। ले जाइए राहुल जी के पास, लास्ट राहुल जी से पूछे कुछ। राहुल जी खड़ा, वेद शासन था क्या? रोमन फ्लैग भी लगाया था। और क्या क्या होता वेद शासन? जैसे मतलब दोहरी शासन, जैसे जैसे कि हटाया कौन था ये बताइए? छोड़िए, वन एनसी से हटा लिया। वन एनसी में? हाँ, महाभियोग उस पर लगा हुआ था। उसके बाद उसके समय में कलकत्ता में ये क्या बोलते हैं मदरसा का स्थापित हुआ था। उसके समय में संस्कृत विद्यालय का भी स्थापना हुआ था बनारस में। उसके बाद ये उसके समय में ये बंगाल गजट के नाम से क्या बोलते हैं पत्रिका चल रहा। इस सेशन को जो है यही करने देते जीविका, पहले की अपेक्षा इस बार जो है बड़ा बेटर रहा आप लोगों का, और उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से सिलसिला चलते रहा, अगर चलते रहा तो यकीन मानिए कि हम लोग बेस्ट कर जाएंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग जो है
आज भले जितना मजा जिसको उड़ाना उड़ा ले, लेकिन रिजल्ट आपको जरूर दीजिएगा। क्या है आपको यकीन? इसी ना रिजल्ट। आइए क्लास में चलते हैं। हम लोग का असर तो अभी क्या होगा?